गौरी, अरे ये क्या कर रही हो तुम? हाँ भाभी, हमने फैसला ले लिया है। लेकिन गौरी, अचानक से ये कैसे? हमरा मतलब है, तुमरा शिव से कुछ बात हुआ है का? भाभी, ये फैसला हमारा है, तो किसी और से बात करने का मतलब ही नहीं बनता। और हमारे इस डिसीजन से अभिमन्यु को कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाभी, अभिमन्यु एक ऐसे इंसान है जिन्होंने हमेशा एक जैसा बिहेवियर रखा, ऊपर नीचे नहीं होता है उनका बिहेवियर। और जब उन्होंने सपोर्ट कर ही दिया है तो हमें किसी और से कुछ नहीं पूछना। देखो गौरी, हम मानते हैं कि अभिमन्यु बहुत ही अच्छा लड़का है, समझदार भी है, लेकिन गौरी झूठ कहे तो कहो, ये बहुत ही बड़ा फैसला है। भाभी, इनवासनी माँ हमारे साथ है और हमें हमारे फैसले पर पूरा भरोसा है। आप बस तैयारी कीजिए। अच्छा ठीक है, तो अभी भी बता दो कि तारीख कब का तय की है। परसों की। कोर्स उन्हें भेजो अंदर। तुम जानते नहीं कि गौरी मैडम कौन है? इसके लिए मुझे पूछने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ भी होगी? नहीं, इट्स ओके, हमारा मन नहीं। गौरी, तुमने बताया कि तुम आ रही हो तो मैंने कुछ कहा नहीं, वरना मुझे ही बुला लिया होता। नहीं, एक्चुअली हमें आपसे अकेले में शांति से बात करनी थी। आई थिंक तुम्हें कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार शिव से बात कर लेनी चाहिए। आप क्या चाहते हैं कि हम शिव के मन मुताबिक चले? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। उस दिन वो सॉरी वगैरह कहने आया और फिर अचानक से चला गया, उसके बाद भी तुम लोगों की कुछ बात हुई है क्या? नहीं, और अभिमन्यु हम इतने भी जिद्दी नहीं है कि इतना बड़ा डिसीजन उससे बिना बताए ले ले। लेकिन हमने उसे फोन किया था और उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, घर पर भी नहीं है वो। सन 2-3 बार जाकर आ चुका है, पता नहीं इतनी नाराजगी क्यों है। अरे कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं वहां पर तुम्हारे साथ था तो कहीं इस कंफ्यूजन की वजह मैं तो नहीं हूँ? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं अभिमन्यु? ये प्रॉब्लम शिव की है। पहले गलती करेगा, उसके बाद पागलों की तरह सॉरी बोलने आ जाएगा और फिर एकदम से गुस्सा हो जाएगा। ये उसका नेचर है, उसकी प्रॉब्लम है। आप इसमें खुद को क्यों रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं? तो गौरी, क्या मैं ये मानकर चलूं कि तुमने जो भी फैसला किया है, तुम जो कुछ भी करना चाहती हो, वो शिव को सबक सिखाने के लिए नहीं? आप हमें इतना ही जान पाए? नहीं नहीं गौरी, जब तुमने मुझसे इतना सब कुछ बता दिया है तो मुझे ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी। चलो फिर, बहुत सारी तैयारी करनी है। भगवान, अरे ये का उल्टा टुटका हो गया। गौरी पापा से तो हम बाद में निपटेंगे। अरे 1100 रुपए के लिए हम कोई नकली जंतर बेचा? वशीकरण जंतर मंत्र। झूठ कहे तो कहो कमला, वो सब तो बात की बात है। पहले जो नई मुसीबत आई है उसे कैसे निपटे? अरे गौरी, हमारे हाथ से गई तो हमारे लक्ष्मी जी का सपना तो चकनाचूर हो गया। अरे हो क्या गया, हमका तो ना चकनाचूर दिखाई दे रहा है। का करें? करें? हेलो हेलो शिव, ये शिव के फोन पर कौन लड़की बोल रही है? हेलो, झूठ कहे तो कहो, ये शिव का फोन तो बंद बता रहा है। हेलो कमला भाभी। अरे ये गौरी को क्या हो गया है? तुम तो समझदार हो ना, अरे ऐसे कैसे हो? क्या कहते हैं, हाँ करियर खत्म करने की बात करवा रहे हो?
भाभी मैं गौरी से कुछ नहीं करवा रहा हूँ। ये गौरी का अपना फैसला है, मैंने उसे फोर्स नहीं किया। अभिमन्यु, गौरी को हमने तुम्हें समझाने के लिए कहा था और तुम होके खुद उसकी बातों में आ गए। अभी मैं किसी की बातों में नहीं आया हूँ, हमें गौरी के फैसले का सम्मान करना चाहिए। अच्छा भाभी, ऑफिस में मुझे कुछ काम है, मैं आपसे बाद में बात करूँ? हेलो, रख दिया फोन। हमारी आंखों के सामने तो सूर्यास्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, कहां से कहां हो गया? झूठ कहें तो कहो, हमने काका ख्वाब देखा था। गौरी महारानी को पता नहीं कहां सूझी, सत्यानाश हो गया। इससे अच्छा होता ना कि मिर्जापुर में ही ना वो ठाकुर से इसका ब्याह हो गया होता। कम से कम अपने हाथों कुछ मोटी रकम तो आती, पर अब तो वो भी धात के तीन पात हो गया। हेलो, कौन बोल रहा है? अरे क्या हुआ कमला रानी, ऐसे सनसनाते हुए काहे बात कर रही हो? अरे हम बोल रहे हैं नीरज श्रीवास्तव। अरे हमने इसलिए फोन किया कि फिर ये पक्का है कि हम कुछ ला नहीं रहे तुम्हारे लिए यहाँ से, ठीक है ना? अरे प्राण ना, अब ना तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। झूठ कहे तो कहो। मोहन बिंदवास्तनी ने ना तुम्हारी बात ना स्वीकार कर ली, अब खुश का का का? अरे कमला रानी तुम ये का बोल गई? हम कुछ समझ नहीं पाए। इनको कौन समझाने में ना माता घुमाएगी। हेलो हेलो हेलो, फोन लाइन खराब हो गया है, हमका कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हम फोन रखते हैं, बाद में बात करते हैं। हेलो हेलो कमला रानी, कमाल है लाइन खराब है, कुछ आवाज नहीं आ रही, अभी तो अच्छी भरी आवाज आ रही थी। अरे वो मैनेजर साहब को फाइल देनी। हाँ हम ठीक कर रहे हैं ना माँ, हमने आज तक आपसे कुछ नहीं छिपाया, हमेशा आपको सब कुछ बताया है। हमें आशीर्वाद दो, हमें शक्ति दो। जी बाबूजी। ये शिव का फोन लगातार ऑफ क्यों जा रहा है और उसने किसी भी मेल का जवाब नहीं दिया, स्ट्रेंज। एक्चुअली किसी जरूरी काम की वजह से उसे बाहर जाना पड़ गया, तो शिव और गौरी की तरफ से मैं आया हूँ। लेकिन अभिमन्यु, आप जो कह रहे हैं उससे गौरी के असाइनमेंट्स पर काफी फाइनेंशियल असर पड़ सकता है। आई अंडरस्टैंड, बट सिर्फ 10 ही दिनों की बात है, 10 दिनों में सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। राइट, बट गौरी खुद क्यों नहीं आई? एक्चुअली सब कुछ इतनी जल्दी प्लान हुआ है कि बहुत बिजी हो गई है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है अभिमन्यु, इस इंडस्ट्री में होने की वजह से और हमारे पुराने दोस्त मिस्टर रहीजा के रिकमेंडेशन से हमें आपकी बात पर पूरा भरोसा है। ऑल राइट देन, बट ओनली 10 डेज। यस थैंक यू। गौरी संत अभी आते ही होगा, थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं। हम जानते हैं वेट करने का कोई फायदा नहीं, लेकिन ठीक है, नहीं यार, बेल बजाई कोई जवाब नहीं, फोन ऑफ, ईमेल्स का कोई रिस्पांस नहीं। गौरी आई थिंक हमें चलना चाहिए अब, अभिमन्यु भी वेट कर रहा होगा।